चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। यहां पर सीटेट के पर्यावरण के शिक्षण के क्रम में हमने आपको विस्तार पूर्वक एक एक क्रमबद्ध रूप से आगे आपके सिलेबस पर चर्चा करते गए। यहां पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं विषय वस्तु के अंतर्गत परिवार और मित्र नामक प्रकरण पर। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि आज की हमारी क्लास का जो मुख्य बिंदु है वह है आपका परिवार, अर्थात आज की हमारी बातचीत परिवार एवं मित्र नामक प्रकरण के अंतर्गत परिवार पर होगी। तो इसके अंतर्गत हम अगर यहाँ पर सबसे पहली बात पर ध्यान दें तो हमें यहाँ पे स्पष्ट होता है कि परिवार की अंग्रेजी फैमिली है, FAMILY, परिवार की अंग्रेजी फैमिली है। अब यहाँ पर सबसे मुख्य बात ध्यान देंगे कि परिवार पहले या फैमिली, तो पहले अंग्रेजी का फैमिली शब्द आया और इसके पश्चात इसके हिंदी अर्थ के रूप में परिवार शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट होना चाहिए कि सबसे पहले फैमिली शब्द आई और फैमिली के हिंदी रूपांतरण के रूप में परिवार शब्द को जाना जाने लगा। हम आगे की तरफ बात करें तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि फैमिली लैटिन भाषा के एक के शब्द से मिल करके बना हुआ है, अर्थात यह जो फैमिली शब्द है यह लैटिन भाषा के किसी शब्द से मिलकर बना हुआ है। अब यहां पर हम बात करें कि लैटिन भाषा का वह कौन सा शब्द है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि स्पष्ट होता है कि फैमिलियस शब्द से यह परिवार मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुख्य रूप से ध्यान देंगे कि ये जो फैमिली अंग्रेजी में फैमिली शब्द है जिसका रूपांतर परिवार है, यह लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से मिलकर बना हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि इस फैमुलस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस फैमुलस शब्द का शाब्दिक अर्थ दो प्रकार से जाना जाता है, एक को कहते हैं यहाँ पे संकुचित अर्थ और दूसरे को कहते हैं व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ और यहाँ पर ध्यान देंगे कि व्यापक अर्थ। अब देखिए साहब, शब्द ही लिखा हुआ संकुचित, तो संकुचित का मतलब होता है कि जो सिमटा हुआ या जिसका आकार छोटा है, और अगला शब्द लिखा हुआ व्यापक अर्थात जो फैला हुआ या जो बड़ा हो। तो हम यहाँ पे फैमुलस शब्द के एक छोटे अर्थ और एक व्यापक बड़े अर्थ की बात करेंगे। तो साहब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब हम संकुचित अर्थ की बात करते हैं तो हमें फैमुलस शब्द और सिर्फ लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से ही यहाँ पे तात्पर्य होता है। यह फैमुलस शब्द फैमिली के परिप्रेक्ष्य में नहीं जाता, इसीलिए तो इसके दायरा संक्षिप्त है, इसीलिए इसे संकुचित अर्थों में जानते हैं। तो साहब यहाँ पे स्पष्ट है कि संकुचित अर्थों में फैमुलस को नौकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्थात यहाँ पे समझेंगे कि परिवार जो फैमिली है यह लैटिन भाषा के फैमुलस से मिलकर के बना है, इसे दो अर्थों में जानते हैं, संकुचित और व्यापक। और संकुचित अर्थों में जो लैटिन भाषा का फैमुलस शब्द का अर्थ जो होता है वह नौकर होता है। लेकिन साहब आपको ये बात पता है कि भारत में जो परिवार की प्रणाली है, क्या उसमें परिवार का मतलब नौकर होता है, तो पता चलता है कि नहीं। इसलिए यहाँ पर हम एक और अर्थ को जानते हैं और वह अर्थ है व्यापक अर्थ। अब व्यापक अर्थ को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझते हुए चलेंगे। जहाँ पर पहले नंबर पर लिखा जाता है कि परिवार समाज की प्राथमिक इकाई है। परिवार समाज की कैसी इकाई है, तो साहब समाज परिवार की प्राथमिक इकाई है।
अब यहां पर ध्यान दीजिएगा साहब, प्राथमिक इकाई कैसे, यहां पे समाज शब्द का मतलब आप समझते हैं, यहां आपके लिए एक नया बिंदु आया हुआ है प्राथमिक। तो यहां पर होता है कि जिससे व्यक्ति का सीधा संबंध होता है, जिससे व्यक्ति का प्रत्यक्ष संबंध होता है उसको हम कहते हैं, जैसे दो व्यक्ति हैं तो उनका आपस में एक दूसरे से स्वयं संबंध हो, उसमें परिचय के लिए तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता ना हो, ऐसे प्रकार के संबंधों को हम प्राथमिक संबंध कहते हैं। जैसे आप हैं और आपके पिता है, या कोई एक बच्चा है और उस बच्चे के पिता हैं, तो यहां पर ध्यान देंगे कि बच्चा और पिता का जो संबंध है वह प्रत्यक्ष संबंध है। बच्चे और पिता या आपके और पिता के बीच में किसी और व्यक्ति के परिचय कराने की बात नहीं है, तो इस प्रकार के ऐसे संबंध को हम प्राथमिक संबंध कहते हैं। इसी के आधार पर एक और संबंध होता है जिसको हम द्वितीयक संबंध कहते हैं। तो साहब द्वितीयक संबंध के क्रम में हम यहां पर देखते हैं कि पिता के मित्र हैं। कौन है? पिता के मित्र हैं। तो पिता के मित्र हैं का बालक से परिचय कराने को, बालक जानता है सबसे पहले अपने पिता को, फिर पिता के मित्र को पिता के माध्यम से जाना जाता है। तो यहां पर अगर देखें कि बालक ने सबसे पहले पापा को जाना, पिता को, फिर मित्र को, तो दो व्यक्तियों के माध्यम से जाना, तो इसको इसी को कहते हैं द्वितीयक संबंध। अगले क्रम में यहां पे ये व्यापक अर्थ परिवार का कहता है कि परिवार में माता और पिता होते हैं। परिवार में कौन कौन होता है? माता और पिता होते हैं। व्यापक अर्थों की आगे की लाइन कहती है कि परिवार में माता पिता के साथ विवाहित और अविवाहित, विवाहित और अविवाहित बच्चे होते हैं। कौन कौन होता है? तो माता पिता होते हैं, विवाहित और अविवाहित बच्चे होते हैं। आगे की लाइन व्यापक अर्थों वाली कहती है कि परिवार में माता पिता विवाहित अविवाहित बच्चों के साथ साथ अन्य सदस्य भी होते हैं। अभी अन्य सदस्य कौन है? तो साहब यहां पे समझिएगा कि दादा दादी, चाचा चाची, ऐसे आप आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, चाचा चाची, उसकी बुआ, तो ये सभी कहां आते हैं? कि अन्य सदस्यों के क्रम में आते हैं। तो यहां पर इसके व्यापक अर्थ कर रहा है कि परिवार में माता पिता, विवाहित अविवाहित बच्चे और अन्य सदस्य होते हैं। ये व्यापक अर्थों की आगे की लाइन कहती है कि परिवार में आपसी सह संबंध पाया जाता है। परिवार में क्या पाया जाता है? आपसी सह संबंध, अर्थात परिवार में कोई किसी का पिता होता है, कोई किसी का पुत्र होता है, कोई किसी का दादा होता है, कोई किसी का पोता होता है, तो अर्थात परिवार के सभी सदस्य आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यही बात आपका व्यापक अर्थ कह रहा है कि परिवार के बीच में सह संबंध पाया जाता है। व्यापक अर्थों के आगे की लाइन कहती है कि इनमें उत्तरदायित्व पाया जाता है। अर्थात व्यापक अर्थ कह रहा है कि परिवार के सदस्यों में उत्तरदायित्व पाया जाता है, अर्थात दादा का काम निश्चित होता है कि परिवार में वो क्या करेंगे, पापा का काम परिवार में निश्चित होता क्या करेंगे, माता जी क्या करेंगे निश्चित होता है। इसी प्रकार परिवार में चाचा चाची सभी लोगों का, यहाँ तक बच्चे का भी निर्धारित होता है। इसी शब्द को कहते हैं कि उत्तरदायित्व। आगे के क्रम में कहता है लाइन कि परस्पर स्नेह की भावना पाई जाती है। या परस्पर स्नेह की भावना मतलब सीधे तौर पे समझेंगे कि परिवार में
सभी व्यक्ति एक दूसरे के हित को लेकर के एक दूसरे की इच्छा आवश्यकता को समझते हुए उनको प्रभावित करने का प्रयास करते रहते हैं। मतलब एक दूसरे के हितों का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को समझते हैं और समय पर जरूरत पड़ने पर वे उनकी पूरी पूरी तरीके से मदद करते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि फैमिली जो कि लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना हुआ है, अगर हम इसके व्यापक अर्थों की बात करते हैं तो समाज परिवार की वह प्राथमिक इकाई है जिसमें माता पिता, विवाहित अविवाहित बच्चे और उनके साथ साथ अन्य सदस्य आपसी सहसंबंध के साथ परस्पर उत्तरदायित्व की भूमिका का निर्वहन करते हैं और उनमें परस्पर स्नेह की भावना पाई जाती है। यहाँ पे स्पष्ट हुआ कि समाज की परिवार समाज की वह प्राथमिक इकाई है जिसमें माता पिता, विवाहित अविवाहित बच्चे अन्य सदस्यों के साथ आपसी सहसंबंध के साथ रहते हैं और उनमें उत्तरदायित्व के साथ साथ परस्पर स्नेह की भावना पाई जाती है। अब साहब यहाँ पर समझेंगे कि हमने ये परिवार के बारे में या ये जो परिवार के विषय में जो हमने अभी तक जाना, ये आपने जाना इसके शाब्दिक अर्थों के रूप में। अब अगर हम बात करें कि सामान्य अर्थों में हम परिवार को किस प्रकार से जानते हैं, तो हम यहाँ पर कुछ आगे की बिंदुओं पर आते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे कि आप एकदम बिल्कुल किताबी ज्ञान से हट करके आपको अपने शब्दों में किस प्रकार से या वे बिंदुओं पर चर्चा करें जो सीधे एग्जाम की लाइन बनती है, तो इस क्रम में हम यहाँ पर कुछ सामान्य बातों पर ध्यान देंगे कि परिवार को सामान्य अर्थों में क्या कहा जाता है। तो इस क्रम में यहाँ पर ध्यान देंगे कि हम जब बात करेंगे कि परिवार के सामान्य अर्थों की, परिवार का क्या कौन सा अर्थ, सामान्य अर्थ की हम बात करते हैं। जब हम इस सामान्य अर्थ की बात करते हैं तो सबसे नंबर एक पर कहा जाता है कि परिवार एक सामाजिक, परिवार एक सामाजिक संस्था है। परिवार क्या है, यह एक सामाजिक संस्था है। अब साहब यहां पर समझिएगा कि परिवार किस प्रकार, अब देखिए आप साहब यहां पर सामाजिक शब्द को समझ चुके हैं, अब हम बात करते हैं संस्था की। तो संस्था के को जानने के लिए आप सबसे पहले, जैसे आप कोचिंग पढ़ते हैं, आप चंद्रा इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो चंद्रा एक कोचिंग संस्थान है। क्या है यह, एक प्रकार की संस्था है या संस्थान है। संस्थान की विशेषता क्या होती है कि इसमें क्रमबद्ध रूप से व्यक्तियों का, क्रमबद्ध रूप से व्यक्तियों के व्यवहारों का एक प्रदर्शन होता है। जैसे शीर्ष पर डायरेक्टर बैठे होते हैं और वे डायरेक्टर, शीर्ष पर डायरेक्टर बैठे होते हैं और वे डायरेक्टर नीतियों का, नियमों का, योजनाओं का निर्माण करते हैं कि और क्या बेहतर किया जा सकता है और क्या क्या किया जा सकता है। दूसरे क्रम पर उसी संस्था में मैनेजर होते हैं जो डायरेक्टर के द्वारा बनाई गई योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। हम फिर जब अगले क्रम में आते हैं तो वहाँ पर टीचर होते हैं, गार्ड होते हैं, प्यून होते हैं, इत्यादि लोग होते हैं। तो यहाँ पर अब ध्यान देंगे कि एक क्रमबद्ध आर्डर पाया जाता है और सभी व्यक्ति अपने पद और गरिमा के अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए पाए जाते हैं, अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर सीधे तौर पर समझेंगे कि परिवार के परिप्रेक्ष्य में संस्था की बात जब हम करेंगे तो आप समाज की परिभाषा साहब जानते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया। तो परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, पापा मम्मी, बुआ हैं। तो आप ऊपर की तरफ से देखें तो सबसे पहले ऊपर में होते हैं दादा, फिर इस दादा के बाद आते हैं पापा। तो अब इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चे की,
तो अब देखिए संस्था, जिस प्रकार से संस्था की बात जाना आप, उसी प्रकार से यहां पर परिवार में भी एक क्रम पाया जाता है। फिर यहां पर बात होती उत्तरदायित्व की, यहां पर सभी व्यक्ति अपना अपना कार्य करते हुए पाए जाते हैं, अर्थात जिसके लिए जो कार्य निर्धारित होता है वह उस कार्य को संपादित करते हुए पाए जाते हैं। और यहां नीचे के व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्य की लापरवाही के लिए ठीक ऊपर के व्यक्ति इनके लिए ये क्या करते हैं, नियंत्रण की या इनके लिए नियंत्रित वातावरण उत्पन्न करते हैं, जिससे ये अपने कार्य और व्यवहार को अच्छे ढंग से ये कर पाए। तो उसी प्रकार परिवार क्या है, एक सामाजिक संस्था, मतलब यहाँ पर एक से अधिक, दो से अधिक व्यक्ति आपस में अंतः क्रिया करते हुए परस्पर क्रमबद्ध रूप से अपने पद गरिमा की का यहां पे महत्व समझते हुए अपने अपने उत्तरदायित्व को निभाते हैं। आगे की लाइन साहब कहती है यहां पर कि परिवार में बच्चे जन्म लेते हैं। फिर आगे की लाइन कहती है कि परिवार में बच्चे जन्म लेने के पश्चात वे परिवार में विकास करते हैं। फिर आगे की लाइन फिर कहती है कि बच्चे जन्म लेते हैं, फिर उनका विकास होता है और परिवार में ही बालक का अंत भी हो जाता है। जैसे यहां समझिएगा कि ये जो दादा है ये कभी बच्चे रहे होंगे, फिर विकास की दिशा में आगे बढ़े और यहां पर अंत की दिशा में आकर के कहां पहुंच गए, और धीरे धीरे उनका अंत हो जाता है। इतनी बात एकदम स्पष्ट क्लियर होती है। आगे की लाइन कहता है कि परिवार से बालक का सामाजिकरण प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है साहब? बालक का सामाजिकरण उसके परिवार से प्रारंभ होता है। कैसे? तो समझेंगे कि देखिए, हमने आपको बताया था कि बालक सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आता है, इसके पश्चात वह माँ के संपर्क में आता है, इसके पश्चात वह पिता के संपर्क में आता है, पिता के संपर्क के बाद वह परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है। तो सीधे तौर पे यहां समझेंगे कि बालक, ध्यान दीजिएगा कि बालक मुंह में उंगली डाला हुआ घर से बाहर निकल रहा है और घर के बाहर दादाजी बैठे हुए हैं। बालक मुंह में उंगली डाल के घर से बाहर की ओर निकला और घर के बाहर दादाजी बैठे हुए हैं। तो जैसे ही बालक को देखते हैं कि मुंह में उंगली डाला हुआ, तुरंत कहते हैं कि उंगली मुंह से बाहर निकालो, मुंह में उंगली गंदे बच्चे डालते हैं और आप अच्छे बच्चे हो, गंदे बच्चे नहीं हो। यह शिक्षा परिवार के द्वारा प्रदान की जा रही, बालक का क्या हो रहा है साहब? सामाजिकरण हो रहा है। अगले क्रम में बालक दूसरे के ऊपर थूकता हुआ पाया जाता है, दूसरे को गाली देता हुआ पाया जाता है। तो एक माता पिता अभिभावक होने के नाते आप बालक को समझाते हैं, कहते हैं कि थूकना गाली देना अच्छे बच्चे का काम नहीं है, और आप अच्छे बच्चे, आपको थूकना और गाली नहीं देना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं साहब? बालक का सामाजिकरण कर रहे हैं। आप बच्चे को सिखाते हैं कि अपने से बड़ों का पैर छुआ जाता है, उनका आदर सम्मान किया जाता है, वे जो कार्य कहें उसको किया जाता है। तो परिवार के द्वारा बालक का क्या किया जा रहा है? सामाजिकरण किया जा रहा है। आगे की लाइन कहती है साहब कि अब देखिए, बालक को यह सब कराना एक प्रकार की शिक्षा देना है। बालक को का ये समाजीकरण करना एक प्रकार की शिक्षा होती है। इसके आधार पर आगे की लाइन कहती है कि परिवार बालक का प्रारंभिक या प्रथम स्कूल होता है। अब प्रश्न बनता है, ये देखिएगा, इधर से जितनी लाइनें लिखी जा रहे हूबहू आपको एग्जाम की लाइन मिलेगी। ये एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है कि पूछता है कि बालक का प्रथम स्कूल है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक विद्यालय, बी माध्यमिक विद्यालय, सी परिवार, और डी इनमें से कोई नहीं। आप लगाएंगे प्राथमिक विद्यालय क्योंकि पता है, लेकिन नहीं, बालक का जो प्रथम स्कूल होता है वो उसका परिवार होता है, जहां से वो सबसे पहले सीखना शुरू करता है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और आगे की लाइनों के लिए हम यहां पर ध्यान देंगे कि
हम परिवार को और भी बेहतर समझे, यहाँ पर ध्यान देंगे कि अब आपने बालक का सामाजिकरण किया और बताया कि परिवार बालक का प्रथम स्कूल होता है, इसके आधार पर परिवार का अन्य नाम पूछता है। तो परिवार के अन्य नाम के रूप में आप यहाँ कह सकते हैं कि परिवार को पूर्व प्राथमिक विद्यालय भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ परिवार को पूर्व शिक्षा का केंद्र भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब हम आगे की बात करते हैं और आगे के क्रम में आप ध्यान दीजिएगा साहब कि आपने ये देखा, अच्छा एकदम स्पष्ट लाइन कि बालक अपने वातावरण के सबसे पहले में किसके संपर्क में आता है, तो वह बालक सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आता है। तो आगे की लाइन बनती है कि बालक का प्रथम गुरु या बालक की प्रथम शिक्षक या शिक्षिका कौन होती है, तो साहब उसकी प्रथम शिक्षिका उसकी कौन होती है, उसकी माँ होती। आगे के क्रम पे हम बढ़ते हैं और आगे की लाइन कहती है कि परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन होता है। परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन होता है। साहब ये अनौपचारिक साधन क्या है? अनौपचारिक साधन कहता है या अनौपचारिक शब्द कहता है कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली शिक्षा हमारी क्या कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो परिवार में बालक जन्म लेता है, वहीं से उसका समाजीकरण शुरू होता है और वह अंत की अवस्था तक परिवार से कुछ न कुछ सीखता रहता है और वह स्वतंत्र तरीके से उसके जीवन में प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक अवसर पर कुछ न कुछ होता रहता है। इसे कहते हैं कि वह शिक्षा का एक अनौपचारिक साधन होता है। तो यहां पर इस प्रकार हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि आज के लिए कि पर्यावरण के प्रकरण में परिवार को, परिवार नामक प्रकरण में और भी आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम पुनः मुलाकात करते हैं। थैंक यू।